प्रदेश की सरकार केंद्र की सरकार की तरफ से पूरी जो कोरोना जैसी महामारी उसकी पूरी तैयारी है और उसमें सारा प्रशासन लगा हुआ है, पर हालात इतने ठीक नहीं है कि सबको डॉक्टरों से ठीक होगा, कि हॉस्पिटल कम है, स्टाफ कम है और मरीज ज़्यादा हैं। मेरा सबसे बड़ा सुझाव एक ही रहा इसमें कि जो लोग हैं वो घरों में रहें, मजबूरी है तभी घर से बाहर निकले, वो फेस मास्क रहें। अगर जिंदा रहना है, सबको ठीक रखना है, परिवार को ठीक रखना है, अपने प्रदेश को ठीक रखना है, देश को ठीक रखना है, वो घर से बाहर ना निकलें। घर से बाहर वही निकलें जरूरी काम है, वो फेस मास्क लगा रहे। हालात ठीक नहीं है, अगर सबको ठीक रखना है तो घर में रहें। और इसका सबसे बड़ा जो रामबाण है, रामबाण ये जो चक्र जो तोड़ना है, ये घर से टूटेगा, ये बाहर से नहीं टूटेगा कि गली में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, सारे दिन जा रहे हैं, प्रोग्राम में जा रहे हैं। तो हम सब के लिए, चाहे चुने हुए प्रतिनिधित्व हों, आम व्यक्ति हों या दूसरे साथी हों, सबको अपने घरों पर रहना चाहिए। और मीटिंग भी लगातार हमारी बार बार मीटिंगें जो चल रही हैं इसी पर चल रही हैं। सबसे पहले लोगों ने कहा है कि लोगों को अपील करें, लोग कम से कम घर से बाहर निकलें। सरकार ऐसे जो कालाबाजारी जो लोग करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई सरकार लगी हुई है। और मैं कहता हूँ इस समय जो हालात है देश में, जो आपदा है सबसे बड़ी, अगर जो देश के साथ गद्दारी करेगा, अपने देश अपने लोगों के साथ गद्दारी करेगा, कालाबाजारी करेगा, इंजेक्शन के नाम से करेगा, कोई राशन के नाम से करेगा, ऐसे लोगों को ऐसा काम पाप नहीं लेना चाहिए। ये लड़ाई ऐसी है, जीवन की लड़ाई है, अगर ऐसे लोग कोई करते मिले तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और उनको उनका स्थान जेल होगा। जेल के अलावा कुछ नहीं होगा, सीधे जेल में जाएंगे लोग। मेरी विनती है कालाबाजारी नहीं करें, आम आदमी मत करें, आम आदमी के साथ जो शिष्टाचार है उसे निभाएं और इस तरह का कोई बेकायदी ना हो।